अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको पता होगा कि मैं लास्ट 25 डेज से बच्चों के साथ थी। 12, 13, 14 साल के बच्चे, उनको काउंसलिंग कर रही थी। तो मैं उनके साथ जब इतने दिन रही, पहले लड़कों के साथ फिर लड़कियों के साथ, तो वो मासूम बच्चों की एनर्जी जो थी वो मुझसे कहीं ना कहीं बातें कर रही थी। तो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, तो वो मैं सब पेरेंट्स के लिए पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। सिखाता हमें कोई कुछ नहीं सकता, पर हम सीख जरूर सकते हैं। इन बच्चों से जो मैंने सीखा समझा है, उसी की कुछ सुर्खियाँ आपके सामने पेश करती हूँ। अब ये जैसे बच्चे बोल रहे हैं हमें, मत पढ़ो मेरे पीछे, मुझे जी लेने दो, आया हूँ इस धरती पर अनुभव करने, ना छीनो मेरा हक, मुझे खुलकर सांस ले लेने दो, एक विशाल समंदर है अंदर मेरे और मौजें भी उठती है, बस उन मौजों को अपना किनारा खुद ही ढूंढ लेने दो, मेरी क्षमता पर भरोसा करो, मेरी जिज्ञासाओं का ना कत्ले आम करो, बस मुझे खुलकर जी लेने दो, डर आपके मुझ पर मत लादो तुम, मुझे खुद गिरकर संभल लेने दो, मैं आपकी औलाद हूँ, जायदाद नहीं, मैं उड़ना चाहता हूँ, खुद के अनुभव बटोरना चाहता हूँ, आओ मेरा साथ दो, आओ मेरे साथ खड़े हो, जब मैं गिरकर संभलना चाहता हूँ, देखो मुझे और मुस्कुराओ, मेरी नाकामयाबी से कामयाबी का सफर मैं खुद ही तय करना चाहता हूँ, बस मुझे खुलकर जीने दो, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। एक बहुत अलग सा एक्सपीरियंस रहा, जहाँ पर ये बच्चों से मैंने बहुत कुछ सीखा और मुझे ये समझ में आया कि ये छोटे छोटे 12, 13 साल के बच्चे अपने खुद के अंदर कितना ट्रॉमा कैरी कर रहे थे। किसी को अपने रूप रंग का ट्रॉमा था, जैसे कि वो अपने आप को एक ग्रुप में फिट करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे थे। किसी को किसी की सेल्फ एस्टीम एकदम लो जा रही थी, किसी को कुछ तकलीफ हो रही थी, किसी को कुछ तकलीफ, किसी को पेरेंट्स की तरफ से पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर, ये कंप्लीट करो वो कंप्लीट करना है, और ये जो ट्रॉमा थे उनके अंदर, सेक्सुअल अब्यूज इतने छोटे छोटे बच्चों ने देखे हैं, वो भी उन्होंने शेयर किए, जो आज तक कभी उनकी जुबान के अंदर वो ताकत नहीं थी कि वो खुलकर किसी को बता सके। बच्चे रोए भी और उन्होंने ये भी कहा कि ये रोकर हमें बहुत हल्का महसूस हो रहा है। तो मुझे सिर्फ पेरेंट्स से यही कहना है कि क्यों आप इतने अप्रोचेबल नहीं हो, क्यों ये बच्चों को ये जो अंदर उनके जो दुख हो रहा है वो उनके अंदर ऐसे, मतलब ना ऐसे समेट कर उसको अंदर ही रखना पड़ रहा है, क्यों वो खुलकर आपको बता नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, या तो हम जिंदगी में ये चाहते हैं, क्यों वो दूसरों की अपेक्षाओं के ऊपर उनको चलना पड़ रहा है। जैसे कुछ बच्चे ऐसा था जैसे कि अपने आप को घसीट रहे हैं, अपने आप को बस बिकॉज मम्मी ये चाहती है, डैडी ये चाहते हैं, तो वो अपनी जिंदगी को उस तरह से बिता रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि वो कोई परमानेंट ये चीज होगी? तो जस्ट अपना बच्चा जो है ना, उसको ऐसा स्पेस दो, उसको खुलकर उसको जीने दो, उसको सांस लेने दो, क्योंकि वो चाहता है। हर इंसान को अल्लाह ताला ने इस धरती पर इसीलिए भेजा है कि तुम जाओ और लाइफ को एक्सपीरियंस करो, और हम एज अ माँ बाप उसका एक्सपीरियंस छीनने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनको सिर्फ ये बता रहे हैं कि मुझे सब पता है और तुझे मेरा ही सुनना है। उसका विजडम बनो, उसकी आवाज बनो, जो धीरे से प्यार से सुनाई दे उसको 24/7, लेकिन उसके पीछे मत लग जाओ। बहुत ज्यादा ट्रॉमा मैंने बच्चों के अंदर महसूस किया, जो आज तक मुझे लगता था कि जब इंसान 30-40 साल का होता है तब वो दुख और वो जो परेशानियां हैं उसको एक्सपीरियंस करता है, बट ऐसा नहीं था।
सो वंस अगेन आई इनवाइट ऑल द पेरेंट्स टू एक्सेप्ट द चाइल्ड. हर इंसान को अल्लाह ताला ने एक अलग अलग खूबी के साथ बनाया है. पता नहीं आपके बच्चे के अंदर एक डॉक्टर होगा, एक स्विमर होगा, एक क्रिकेट प्लेयर होगा, क्या होगा आपको पता नहीं है. उसको खुद को ढूंढने तो दो उसके अंदर क्या है. हर इंसान डॉक्टर भी नहीं बन सकता और हर इंसान धर्म के में अंदर भी आगे नहीं जा सकता. उसको जो एरिया दिया है वही उसको पेट्रोलिंग करना है. एंड एवरीबडी इज यूनिक. आप उंगली खींचकर उसको दूसरे से कंपेयर मत करो कि तेरे चाचा के बेटे ने ये किया, तुझे भी ये करना है. इट इज नॉट गोइंग टू हैपन.